नमस्कार दोस्तों, कार्ड इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले SBI क्रेडिट कार्ड के बारे में। यदि आपके पास कोई भी SBI का क्रेडिट कार्ड है तो आपको यहाँ पे प्री अप्रूवल लोन मिल सकता है। उस लोन को आप किस तरह से आप देख सकते हैं, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपको लगेगा और कितने साल के लिए आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए, तो हम यहाँ सबसे पहले अपनी SBI एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका क्रेडिट कार्ड की पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, जितना आपका लास्ट बिल है, लास्ट पेमेंट डिटेल है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आप यहाँ पे नीचे की ओर देखिए, तो यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे EMI एंड मोर, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस ट्रांसफ़र, इनकेश लाइन, फ्लेक्सी पे। तो यहाँ पे हमें इनकेश लाइन करके एक ऑफ़र यहाँ पे मिली है। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कितनी हमें यहाँ पे इनकेश की ऑफ़र मिली है। तो यहाँ पे इनकेश पे हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकेश इनलाइन यू आर एलिजिबल फॉर एन इनकेश इनलाइन अमाउंट ऑफ अप टू 26,142 रुपीज़। तो दिस अमाउंट इज़ विथ इन योर एक्साइटिंग क्रेडिट लिमिट। इस ऑफर को हम यदि अप्लाई करते हैं तो ये जो रकम है उसके लिए हमारी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उसको ब्लॉक किया जाएगा। तो इस तरह से हमारे एक क्रेडिट कार्ड पे हमें ये ऑफ़र मिली है। तो आइए हम देख लेते हैं दूसरे क्रेडिट कार्ड पे हमें कौन कौन सी ऑफ़र मिली है और वहाँ पे हमें कितनी प्री अप्रूवल ऑफ़र मिली है। तो यहाँ से हम एक बार बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद यहाँ से हम अपना कार्ड चेंज कर लेते हैं। कार्ड चेंज करने के बाद यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फिर से आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं, तो हमारा कार्ड क्रेडिट कार्ड है वो चेंज हो गया है और लास्ट बिल की समरी यहाँ पे आपको शो हो रही है। तो इस क्रेडिट कार्ड की हमारी जो लिमिट है वो 1,56,000 की लिमिट यहाँ पे हमें क्रेडिट कार्ड SBI की ओर से दी गई है। तो इस लिमिट के बेस पे हमें कितना इनकेश मिलता है ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम मोर पे क्लिक कर लेते हैं, EMI मोर पे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद फिर से आप देख सकते हैं बैलेंस ट्रांसफ़र, इनकेश इनलाइन, फ्लेक्सी पे। तो यहाँ से हम इनकेश इनलाइन पे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो भी प्री अप्रूवल लोन होगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,53,000 की हमें यहाँ पे इनकेश की ऑफ़र मिली है, यानी कि हमारी जो क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसको 1,53,000 ब्लॉक करके ये अमाउंट हम अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस अमाउंट को यदि आप कम करना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ आप मिनिमम जो रकम है वो 25,000 तक ले सकते हैं। मैक्सिमम आपकी जो अमाउंट है वो 1,53,000 तक आपको ये ऑफ़र मिल सकती है। तो यहाँ से हम सबसे पहले पूरी कुछ रकम कम कर देते हैं। तो यहाँ से हम 1,00,000 की अमाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। यहाँ से हम कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो अमाउंट है वो हम 36 मंथ तक ले सकते हैं। 12 मंथ, 24 मंथ, 48 मंथ या तो 36 मंथ के लिए आप इस ऑफ़र को अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम इस अमाउंट को 48 मंथ के लिए लेते हैं तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट रेट है वो 14% रहेगा। यदि हम 12 मंथ के लिए भी लेते हैं तो भी हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 14 ही रहेगा। तो यहाँ से हम 48 मंथ सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 48 मंथ सिलेक्ट करने के बाद जो हमारी जो मंथली EMI है वो 2,732.65 पैसा यहाँ पे हमारी EMI बनती है। यहाँ से हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म करने के बाद आपको जो भी सेविंग अकाउंट में आपको ये
अमाउंट चाहिए उस सेविंग अकाउंट का बैंक अकाउंट नंबर, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड करके आपको यहाँ से कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके सेविंग अकाउंट में वो पूरी रकम वो आपको क्रेडिट हो जाएगी। इस तरह से आप यहाँ से बिना बैंक जाए आपको 14% के इंटरेस्ट रेट आपको यहां से एफडी अप्रूव लोन मिल जाती है। तो यदि आपके पास एसबीआई का कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो आप भी यहां से चेक कर लेते हैं। हमारे पास दो एसबीआई के क्रेडिट कार्ड है, तो इस तरह से हमारे दोनों क्रेडिट कार्ड के बेस पे हमें यहां पे इनकेस की इनलाइन मिली है। तो इस तरह से आप भी यहां से चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी अमाउंट मिली है। तो ऐसे ही ऑफर के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं नई वीडियो में नई कार्ड के साथ, नई ऑफर के साथ। जय हिंद, जय भारत।